अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको उनके यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक फूड आइटम को सिलेक्ट किया है, तो आज हम बात करेंगे पेक्टिन के बारे में। और दोस्तों पेक्टिन जो है एक लाइट येलो सब्सटेंस होता है, सेम एज जेलेटिन की तरह का। दोस्तों इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी जेलेटिन वाली ही हैं। दोस्तों जो पेक्टिन का सोर्स है वो नबाताती है। और दोस्तों पेक्टिन को थिकनेस एजेंट के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे आमतौर पर सिट्रस फ्रूट्स के साथ बनाया जाता है। और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स के जूस निकालने के बाद जो फॉग बन जाती है, उससे जो है पेक्टिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आमतौर पर नाशपाती को यूज़ किया जाता है, सेब को यूज़ किया जाता है, अमरूद को यूज़ किया जाता है, आलू बुखारा को यूज़ किया जाता है। और दोस्तों आंवला और सिट्रस जो फूड होते हैं यानी माल्टे और लेमन वगैरह के फोक से जो है पैक्टिन को बनाया जाता है इंडस्ट्रियल तौर पर। और दोस्तों इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। दोस्तों इसे एज ए जेलिंग एजेंट के तौर पर जैम के अंदर शामिल किया जाता है, चेरी के अंदर शामिल किया जाता है, मार्मलेट्स के अंदर शामिल किया जाता है। और दोस्तों जो मुख्तलिफ किस्म की फिलिंग्स होती हैं, स्वीट्स वगैरह, डेजर्ट्स के अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे एज ए डाइटरी फूड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसे थिक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अक्सर जो है डॉक्टर इसे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों इसे मेडिकली तौर पर इस्तेमाल करने से पेट भरा भरा रहता है और भूख कम लगती है, इस वजह से वजन तेज़ी के साथ कम होता है। और दोस्तों मार्केट से आसानी के साथ किसी भी बड़े स्टोर से, ग्रोसरी शॉप वगैरह से ये मिल जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो एनिमल सॉस जेलेटिन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पेक्टिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों वो अगर अगर पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी अगर अगर पाउडर के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बना के दे चुका हूँ, और इसके अलावा मैं जेलेटिन के बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दे चुका हूँ। और दोस्तों वो भी दोनों जेलिंग एजेंट है, तो वो वीडियोज़ भी आप जाके दे सकते हैं। चलें दोस्तों ये तो थे पेक्टिन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस और बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। पेक्टिन को एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये महफूज है सेहत के लिए, लेकिन अगर आप इसे रोज़ाना रूटीन बनाएंगे, रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पेट के अंदर गैस हो सकती है, पेट के अंदर मरोड़ हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे एज अ डाइटरी फूड ले रहे हैं तो इसे डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। दोस्तों अदरवाइज जितने भी आजकल जेलीज आ रही हैं, मामलेट आ रहे हैं, जैम वगैरह आ रहे हैं, उसके अंदर पेक्टिन लाजमी शामिल होता है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके नेचुरल जो है केमिकल कंपाउंड के बारे में मैंने जो आप वीडियो बना के दी है पैक्टिन के हवाले से, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपको कोई सवाल है पैक्टिन के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।